ये है दिल्ली दर्पण दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। दिल्ली के गोकुलपुर गांव के मकानों में दरार आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई मकानों के फर्श तो पूरी तरह से जमींदोज हो गए हैं। गोकुलपुर गांव में सीवर की खुदाई के कारण मकानों में आई दरारों के बाद अब तक लगभग 16 मकानों को खतरनाक घोषित कर दिया गया है, जिसमें कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने मंगलवार को गांव का निरीक्षण करने के बाद ये फैसला लिया कि इन मकानों में रह रहे सभी लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया जाए और जो सुविधा प्रशासन की तरफ से दी जा सकती है सभी को जल्द से जल्द मुहैया कराई जाए, जिससे किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। लगातार हो रही मकान धसने की घटनाओं से गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। इलाके के लोगों का कहना है कि जब लोगों की जान पर बनाई उसके बाद अधिकारी अपनी नींद से जागे हैं। कोई सुविधा नहीं है, एक पंखा नहीं है, एक लाइट नहीं है। हम सारी रात यहाँ पर गर्मी में अपने बच्चों के साथ यहाँ कैसे खुलेआम ऐसे इस तरह से महिलाएं पुरुष इनका किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सिर्फ एक टेंट लगा कर दे दिया गया है। नोटिस इन्होंने जबरदस्ती हमारे घर पे लगा दिया है और अब हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ना हमें प्रशासन ये बात कह रहा है कि हमें कोई सेफ जगह पर वो करे, या मतलब इस तरह से कहते हैं कि आप इकट्ठे कहीं चले जाओ। इस तरह से हम कैसे चले जाएं जब तक कि हमारी को सिक्योरिटी या किसी तरह की कोई प्रबंधन हो, कोई किस तरह कोई व्यवस्था नहीं। जो सुविधा केवल इतनी है कि इन्होंने टेंट तो लगा दिए है, लेकिन पार्टीशन के नाम पे कुछ भी नहीं है। लेडीज और ये सब खुले में रहने को मजबूर है। दूसरी बात, यहाँ अधिकारी कहते हैं आप हम सील करेंगे, आप घर खाली करिए। इन्होंने हमारा मैरिज होम है गोकुलपुर का, वहाँ हम पूछने के लिए गए भाई हम अपना सामान ले आए, वो कहते हैं आप 3 कपड़ों में यहाँ आएंगे, आप सामान नहीं लाएंगे। अधिकारी कहते हैं सामान लेके जाओ, अब हम बीच में फंस गए, हम क्या करें। प्रशासन द्वारा ग्रामीणों के लिए कैंप लगाए गए हैं, लेकिन इलाके के लोगों का कहना है कि इन कैंपों में किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। दिल्ली जल बोर्ड ने अपने प्रोजेक्ट के चक्कर में ग्रामीणों के घरों को बर्बाद कर दिया है, लेकिन सीवर लाइन की खुदाई करने से पहले ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई थी। ये 4 दिन पहले हुआ है, रात को 12 बजे भी, 1 बजे भी, सुबह भी, दौरे तो लगातार हो रहे हैं क्योंकि दौरा करना उनकी मजबूरी है। उनको उनका कहना यह है कि ह्यूमन लाइफ जो है प्रीसियस है, आदमियों को कुछ नहीं होना चाहिए। मकान गिरते हैं तो रिपेयर हो जाएंगे, तो वो तो सिर्फ अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं, इसलिए वो दौरे करते हैं। अब प्रशासन की तरफ से टेंट भी लगा दिए गए हैं धर्मशाला में, टेंट उनकी तरफ से लगाए गए हैं, हमने डिमांड किया तब लगाए गए। नहीं, क्यों नहीं जा रहे हैं आप, क्या समस्या है उसके अंदर जाने? कहाँ चले जाए बताइए, टेंट के अंदर एक आदमी में 18, एक फैमिली में 18 लोग हैं, इन टेंटों में कैसे समा जाएंगे? हमसे कहा गया बारात घर में चला जाओ, बारात घर में क्या प्राइवेसी होती है? एक हॉल में माँ भी, बहन भी, बेटी भी, सब लोग एक साथ रह लेंगे, और वो भी अलग अलग फैमिलियों के साथ, एक फैमिली तो नहीं है, 18 से 20 फैमिली है, कैसे रख पाओगे? अब आप क्या चाहते हैं प्रशासन की तरफ से, किस तरह की मदद की जाए? हम लोगों ने अब तक पूरा सहयोग करा प्रशासन को जो उन्होंने हमसे कहा था, लेकिन अब तक हमारे फेवर की एक भी बात नहीं रखी गई है। 4 दिन हो गए हमें इन टेंटों में रहते हुए, अब तक हमारे घर में मकान में रिपेयर का काम भी शुरू नहीं हुआ। फिलहाल देखना ये होगा कि सरकार का ध्यान इन ग्रामीणों की तरफ जाता है या फिर नहीं। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए राकेश चावला की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर